मध्य प्रदेश के शिवपुरी से फर्जीवाड़े का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कलेक्टर में जनसुनवाई के दौरान एक मुर्दा शख्स कलेक्टर के सामने आकर खड़ा हो गया और इंसाफ की गुहार लगाने लगा। पीड़ित ने कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसके खाते से लाखों रुपए उसे मृत बताकर निकाली गई है। इस दौरान उसने कहा कि साहब हम जिंदा हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जनपद पंचायत शिवपुरी जिला शिवपुरी से मुझे मृत घोषित कर मेरे नाम पर 4 लाख कुछ रुपए की राशि जनपद के भ्रष्ट कर्मचारी ऑफिसरों ने निकाल ली गई है। ऐसी स्थिति में मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं अस्वस्थ हूँ, परेशान हूँ और मुझे एक दो बार सदमा भी हो गया, हार्ट अटैक आया, जिसमें ग्रामीण लोगों ने मेरी मदद कर अस्पताल पहुँचाया। तब मैं जाकर थोड़ा यहाँ तक जनसुनवाई तक आ पाया हूँ। 1-1.5 महीने से मैं अस्वस्थ हूँ, जैसे ही मैंने ये सुना। आपने कब सुना दिया मृत घोषित है? मुझे करीबन ये 13 तारीख से पहले पता लग गया था। कैसे पता चला? पिछले महीने एक पूर्व जनपद सचिव आसाराम जाटव जी ने मुझे बताया, फोन पे कोई जांच अधिकारी आए हैं, आप उनसे बात करें। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बताया हरिओम शर्मा बोल रहे हैं। जी हरिओम शर्मा बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरे पूरे परिवार की आईडी मेरे से जानना चाहिए। मैंने उनको अवगत कराया। उन्होंने मेरे भाई बांके बिहारी शर्मा के बारे में पूछा कि वो जिंदा है मर गए। मैंने कहा 3.5 वर्ष पूर्व वो जिंदा थे। संबल पोर्टल पर जो शासन का संबल पोर्टल है उस पर जो है उनका नाम चल रहा था, मेरा भी चल रहा था। मैंने 181 लगाई माननीय मुख्यमंत्री जी की साइड, उस पर शिकायत की और मैंने आग्रह किया कि मेरे परिवार को और मेरे भाई को जो है 181 को संबल योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाए। लेकिन उन्होंने उस पोर्टल पर चल रही उस योजना को और सत्यापित नहीं किया, लिहाजा मेरे भाई को लाभ नहीं मिला और उसे जो है मृत्यु हो गई, उसकी उसको सदमा लग गई। ये मामला शिवपुरी जिला पंचायत क्षेत्र के इंदरगढ़ गांव का है, जहां हरिओम शर्मा के साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है। पीड़ित को इस फर्जीवाड़े का पता तब चला जब जिले के पीसीओ ने उनके बयान लिखित में लिए। इन बयानों में उनसे अपने जिंदा होने का उल्लेख कराया गया था। पीड़ित के मुताबिक जब उन्होंने इस बात की पड़ताल की तो पता चला कि कागजों में उन्हें मृत घोषित कर उनके नाम से 4 लाख रुपए से भी अधिक की राशि निकाल ली गई है। ये रुपए किसी प्रीति शर्मा के नाम से निकाली गई। इसमें प्रीति शर्मा को हरिओम की पत्नी बताया गया है। पीड़ित ने बताया कि वो जब इस बारे में पूछताछ के लिए जाते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जाती। उन्हें इस बात का पता चला है कि उन्हें दुर्घटना में मृत घोषित कर ये रुपए शिवपुरी जनपद के अधिकारियों के मिलीभगत से निकाले गए। तत्पश्चात मुझे पता लगा, अभी ताजा घटना, जनपद पंचायत पूर्व सीईओ गगन वाजपेयी के द्वारा उनके कार्यकाल में मुझे प्रार्थी हरिओम शर्मा के नाम पर 4 लाख से कुछ ऊपर की राशि आहरण कर शासकीय राशि का दुरुपयोग कर बहुत बड़ा घोटाला किया है। धन्य है ये प्रशासन और ऐसे उसमें जो है व्यवस्थापिका में और कार्यपालिका में जीना मुझे दुर्लभ हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे जीकर भी क्या करूं, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे। तो नहीं, आपको आत्महत्या करने से क्या होगा जब प्रशासन ने आपको पहले ही मृत घोषित कर दिया? जी, इसका ये है कि ऐसे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के राज्य में वो कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं रहेगा और ये जनपद पंचायत सीपरी की ओर से इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो कि जिंदे जीवित व्यक्तियों को मारकर। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के बड़े भाई बांके बिहारी शर्मा का नाम संबल योजना में था, वो कैंसर से पीड़ित थे। इसके बावजूद भी उन्हें सहयोग राशि के तौर पर फायदा नहीं मिल पाया, जिसके बाद उनका निधन हो गया। उन्होंने कहा कि अब उन्हें मृत घोषित कर लाखों रुपए की राशि निकाल कर गड़बड़ घोटाला कर दिया गया और अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि पीड़ित को न्याय कब मिलता है और इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।